हे गर्ल्स, क्या आपके भी फेस पर अनवांटेड हेयर्स हैं जिसकी वजह से आपको प्लकिंग करवानी पड़ती है, वैक्सिंग करवानी पड़ती है और थ्रेडिंग करवानी पड़ती है? आप अपना चेहरा साफ शफाफ ग्लोइंग चाहती हैं? आज मैं आपके लिए ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जिससे आपका चेहरा बिल्कुल स्पॉटलेस क्लीन हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूँ अलीज़ा। चलें स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार सी वीडियो। इस रेमेडी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए वो है जी एक अदद बनाना, यानी कि केला। देखिए मैंने केला ले लिया है। आपने एक केला यूज़ करना है, दो केले नहीं यूज़ करना है, हमें एक ही चाहिए होगा। उसके बाद हमने एक प्लेट ले लेनी है इस तरीके से। उसके बाद फिर आपने ये जो बनाना लिया है हमने इसे अच्छी तरीके से पील ऑफ कर लेना है। देखिए मैंने पील ऑफ कर लिया है। चलें जी, उसके बाद हमने लेना है जी एक अदद स्ट्रेनर, यानी कि चाय छानने वाली छन्नी। आप कोई सा भी छन्नी ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपने ये जो बनाना है ना इसे राउंड 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 करके इस तरीके से आपने इसे मैश कर लेना है। सिंपली हमें जो बनाना मैश किया हुआ बनाना चाहिए। देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ब्लेंडर में डालकर भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से ठीक लगा तो मैंने इस तरह से कर लिया। देखें इस तरीके से आपने सारा बनाना मैश कर लेना है। मैश करने के बाद आपने इसे अच्छी तरीके से, देखें इस तरीके से आपने इसे मैश कर लेना है। कोई सी भी गुठली ना रहे। उसके बाद आपने इसे सारे को इकट्ठा करके प्लेट में ट्रांसफ़र कर देना है। फिर आपने प्लेट को साइड पे कर देना है। फिर आपने एक और बोल लेना है। देखें मैंने बोल ले लिया है। उसके बाद ये जो हमने बनाना क्रश करके रखा है ना, आपने वो इसमें ऐड कर देना है। देखें मैंने ऐड कर दिया है। फिर हमने इसमें ऐड करना है, बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है, आपने इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सर्दियों का मौसम है, हर घर में मौजूद ही होगी। वैसलीन लेनी है हमने 2 से 3 पिंच, चम्मच का चौथाई हिस्सा आप ले लें। देखिए मैंने इतनी सी ली है। उसके बाद आपने इसमें इसे ऐड कर देना है। फिर आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। देखें जी मैंने मिक्सिंग स्टार्ट कर दी है। आपने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद हमने इसमें एक और मेन इंग्रेडिएंट ऐड करना है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अभी रेमेडी पूरी नहीं हुई है। इस रेमेडी को आपने 2 से 3 मरतबा हफ्ते में यूज़ करना है। उसके बाद ये देखें हमने ये मेन इंग्रेडिएंट है, ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हर घर में मौजूद होता है जी चपाती बनाने वाला आटा। आपने 1.5 चम्मच इसमें ऐड कर देना है। आपने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। देखें मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। आपने मिक्सिंग में 5-6 मिनट देना है। इसमें कोई भी बनाना की गुठली है ना वो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। देखें कुछ इस तरीके का हो जाएगा। इस रेमेडी से आपके जो फेशियल हेयर है ना बिल्कुल इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। आपने एप्लीकेशन का तरीका अच्छी तरीके से देख लेना है, आप कोई भी स्टेप मिस नहीं कर सकते हैं। तो चलें जी, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपनी स्किन को अच्छी तरीके से किसी भी फेस वॉश या किसी भी साबुन की मदद से आपने यूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने जो हमने मिक्सचर बना के रखा है ना, इसे आपने अपने फेस पर जो भी जगह है, यानी कि फोरहेड हो गया, अपर लिप्स हो गए, जहाँ पर भी आपको हेयर्स की प्रॉब्लम रहती है ना, आपने वहाँ पर इसे अप्लाई कर देना है इस तरीके से, जैसे देखें मैं कर रही हूँ। फिर आपने इसके ऊपर जो अपने टिश्यू पेपर होते हैं ना, उसकी जो पतली सी लेयर होती है, आपने वो इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है। देखें आगे मैं चल के आपको बताती हूँ। देखें इस तरीके से आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। आपने कोई सी भी जगह छोड़नी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से इसे टिश्यू पेपर से कवर कर देना है, और जो बाकी टिश्यू पेपर है ना आपने एक्स्ट्रा पार्ट से कट कर देना है। फिर आपने इसे 10 से 20 मिनट आपने इसे सूखने के लिए देने हैं। आपने ज़रा भी जल्दी नहीं करनी है। देखिए सूख चुका है। देखिए मैं आपको इसे रिमूव करके दिखा दूँ। आपने अपर डायरेक्शन में इसे रिमूव करना है। देखें जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, ये बिल्कुल जब सूख जाएगा ना तो बिल्कुल कड़क हो जाएगा। जब आप इसे ज़ोर से खींचेंगे ना तो आपके जो फेशियल हेयर है ना वो तभी उतरना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। आपने ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आके बताना है कि आपको कैसी लगी है। देखें इस तरीके से आपने इसे रिमूव कर देना है टिश्यू पेपर के साथ साथ। फिर जब आप इसे रिमूव कर लें तो आपने इसे सादे पानी से धो लेना है। फिर आपने अपनी स्किन को किसी भी अच्छे मॉइस्चराइज़र की मदद से मॉइस्चराइज़ कर लेना। जब भी आप वैक्सिंग करवाएं या थ्रेडिंग करवाएं, आपने सबसे पहले मॉइस्चराइज़ कर लेना है। फिर देखें इस तरीके से आपने इसे रिमूव कर लेना है। आपने फिर अपना फेस वॉश कर लेना है। ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगी इंशाल्लाह। अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।